उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे एवं सौर विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गंज थाने में दर्ज पड़ोसी से मारपीट, आपराधिक षड्यंत्र व जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले में अब 20 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। गौरतलब है कि 28 अगस्त 2019 को मोहम्मद अहमद नाम के युवक ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि सपा नेता आजम खान, उनके भाई शरीफ खान, बिलाल और अब्दुल्ला आजम ने उनके घर में घुसकर उनसे मारपीट, आपराधिक षड्यंत्र और जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले में सभी आरोपी जमानत पर बाहर चल रहे हैं। सोमवार को कोर्ट ने मामले में आजम खान, शरीफ खान और बिलाल के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए MP/MLA कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के भी खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट कार्रवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम कोर्ट में उपस्थित रहे। अब इस मामले में 20 अगस्त को गवाही होगी। वहीं दूसरी ओर अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट के मामले में भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष ने अपने अपने तर्क कोर्ट में पेश किए। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में साल 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें अब्दुल्ला आजम के पिता एवं शहर विधानसभा सीट से विधायक आजम व अब्दुल्ला आजम की मां डॉक्टर तंजीन फातिमा भी आरोपी है, जबकि 2 पैन कार्ड के मामले में अब्दुल्ला आजम और आजम खान आरोपी हैं। 2 पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्ला आजम अकेले आरोपी हैं। इनमें पासपोर्ट और पैन कार्ड के मामले में सिविल लाइंस थाने में दर्ज थे। इन तीनों मामलों में तीनों आरोपी जमानत पर बाहर चल रहे हैं। इन मामलों की सुनवाई MP/MLA कोर्ट में चल रही है। मंगलवार को इन तीनों मामलों की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पूर्व की तारीखों में दस्तावेज तलब करने को लेकर किए गए दोनों पक्षों के प्रार्थना पत्रों पर बहस हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अब इस मामले में बुधवार 27 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगी। कोर्ट कार्यवाही के दौरान अब्दुल्ला आजम कोर्ट में मौजूद रहे। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटी अब्दुल्ला आजम खान को उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में जेल भेज दिया गया था। उन पर आरोप है कि अब्दुल्ला खान के पास 2 अलग अलग जगहों से फर्जी तरीके से जारी 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। इनमें एक लखनऊ से और दूसरा रामपुर से बनवाया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद भी आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आजम खान इन दिनों मीडिया से दूर हैं और उन्होंने लगभग कई मुद्दों पर अपनी चुप्पी भी साध रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने ही 19 मई को आजम खान को अंतरिम बेल दी थी। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।